हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम आप सबों का मेरे झारखंड के लोग ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए, कल आधा वीडियो आप सबों ने देखा, आज दिखाती हूँ आप सबों को। मेरे चूजे बहुत ही अच्छी तरह से हैं, आप देख लीजिए बैक कैमरा से। देखिए, मैं ला के रखी थी, उसे थोड़ा सा ज़्यादा क्लेक हो गया है यहाँ पर। और देखिए, मेरा ये चूजा बिल्कुल ही तंदुरुस्त है। मैं दोनों साइड के कपड़े को गीले करके लगाई हूँ, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, 60 से ऊपर चाहिए। तो देखिए, उतना में हो गया है, 75.7, 80 तक होना चाहिए, 60 से 80। तो मैं कम होने नहीं दे रही हूँ, एक बार ही भिंगो के डाली हूँ। और कुछ देर बाद दिखाते हैं, देखिए और भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। मुझे लग रहा है इसमें ब्लैक बच्चा है। चलिए, एक बार फिर से कपड़े को भिगो के लाती हूँ। चलिए देखते हैं, एक बार उठा के ही दिखाती हूँ। देखिए कैसे बाहर आ रहा है। कुछ देर में ही बाहर आ जाएगा। देखिए, दूसरा भी यहाँ पर क्रैक हो गया है। इसे हटा के देखती हूँ। देखिए, निकल गया अब बाहर। अब कुछ देर में मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। छिलके को हटा देती हूँ, इसे घूमने फिरने में आसानी हो जाएगी। देखिए, तो देखते हैं। अरे, ये तो देखिए कहाँ चला गया है, मैं देखी नहीं थी। इसे हटा देती हूँ लेके, यहाँ देखिए नीचे गिर गया है। इसे अब बगल में ही शिफ्ट करती हूँ। देखिए, यहाँ पर ही जहाँ भी छोटा सा क्रेक आया हुआ है, लेकिन अब देखती हूँ दूसरा का। इसका तो अभी तक कोई क्रेक नहीं है, यही खराब वाला ही था। अब देखते हैं इसको। देखिए, चलिए अब देखते हैं। ये भी उतना ही है, लेकिन ये चूचू तो बज रहा है, जिंदा ही है। लेकिन दूसरा वाला को सोच रही हूँ कि इस कोई आवाज नहीं है। एक साइड से मैं इसको फोड़ के देखूंगी, देखूंगी किस साइड से जिस साइड खाली है उस साइड ही देखें। इस साइड खाली दिखाई पड़ रहा है, तो इस साइड ही मैं फोड़ के देखती हूँ। खराब है, देखिए खराब है, बच्चा बना ही नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे वाले को। अच्छा, ये भी बाहर आ गया है अंडे से, देखिए। और ये मुझे बिल्कुल ही कड़कनाथ का फेट लग रहा है। मुर्गा तो कड़कनाथ नहीं था, लेकिन देखिए। और कुछ देर में मैं इसे उठा के साइड में कर लूंगी। चलिए, इस बच्चे को भी वहां कर देते हैं।
देखिए बहुत ही छोटा ऐसा है, पैर तो बिल्कुल कड़कनाथ के जैसा है और कुछ कुछ शरीर में भी, लेकिन इस सिर साइड में सफेद है। चलिए यही रख देती हूँ। देखिए तीनों की तीनों बहुत ही हेल्दी सा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इन सबों को उसके माँ के पास ले जाऊँ और यहीं पर लाके चारा पानी दे दूँ। चलिए अब मैं यहाँ से निकालती हूँ, पहले तो लाइट ऑफ कर देती हूँ। टोकरी में लेके जाऊंगी। क्यूट क्यूट सा है, छोटा छोटा सा। अभी इसकी मम्मी यहीं पर लेके आएंगे, नीचे ही रखूंगी क्योंकि वहां कहीं बाय चांस निकल जाएंगे। तो देखिए देखिए तीनों बच्चे यहाँ पर है। अभी मैं ले जाती हूँ इनको निकालने के बाद, यहाँ से इसी टोकरी में ले जाती हूँ। इसकी मम्मी सोचेगी कि मेरे ही बच्चे हैं, इसी के बच्चे हैं, लेकिन इनक्यूब्यूटर में इनको मैं निकाली थी। हाँ चलिए चुन्नू मुन्नू देखिए अब ले जाती हूँ, उसकी मम्मी को निकालती हूँ। कैमरा बंद करती हूँ पहले। तो देखिए मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को और मेरी मुर्गी को, नीचे ही लेके जा रही हूँ। देखिए अंधेर, धूप से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये देखिए हाय 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 हाय, नीचे गिर गया ये, अरे नीचे गिर गया। देखिए यहाँ पर मैं रखती हूँ, अब इनको चारा पानी देती हूँ। चलिए थोड़ा दाना दे के देखती हूँ। इसकी मम्मी के नीचे चले गए हैं सब। आ, आ। देखिए अपने बच्चों को कितने अच्छी तरह से चारा खिला रही है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।